की आड़ में करोड़ों का काला कारोबार। लाल इमली से परेड चौराहे को कनेक्ट करने वाला अंदरूनी मार्ग जिसे परेड खालवा रोड भी कहा जाता है। इस रोड को लगभग 2 दशकों से भीषण अतिक्रमण और कब्जे का घुन लग चुका है। यहां पर मामला केवल अतिक्रमण का ही नहीं है, बल्कि इस अतिक्रमण की आड़ में चोरी के माल के साथ ही हर प्रकार का गैर कानूनी माल खरीदा और बेचा जाता है। हाल यह है कि कैस्को सहित अन्य सरकारी विभागों से चोरी किया जाने वाला स्क्रैप और उपकरण तक यहां पर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। पुराने फर्नीचर कबाड़ की आड़ में इस परेड खलवा रोड पर सालों से शकील, शमीम, मिक्की, शिबू और जालेश जैसे कथित मठाधीश व्यापारियों के संरक्षण में सालाना करोड़ों की टैक्स चोरी और हेराफेरी की जा रही है। इस सड़क के उत्तर साइड थाना ग्वालटोली में तो दक्षिण का साइड थाना कर्नलगंज क्षेत्र में आता है। पुलिस और टैक्स विभाग की जानकारी में होने के बावजूद यहां की 4 दर्जन अवैध दुकानें और व्यापारी कथित तौर पर केवल एग्जाई की दम पर फल फूल रही हैं। सूत्रों के अनुसार ये 5 नेता किस्म के कथित व्यापारी कबाड़ की आड़ में गैर कानूनी धंधे को प्रोटेक्शन देने के लिए बाकी दुकानदारों और कब्जेदारों से हर महीने लाखों की उगाही करते हैं, या यूं कहें कि गुंडा टैक्स वसूलते हैं। इन मठाधीशों की दुकान पर अक्सर इलाकाई गुंडे मवालियों समेत शहर भर के छुटवैया नेता बैठका लगाते हैं। यही लोग मठाधीशों के इशारों पर दुकानदारों कब्जेदारों को पुलिस थाने के मामलों से बचाते हैं। कई बार चोरी के महंगे आइटमों को परेड खलवा की दुकानों से बरामद। यही 5 लोग वर्षों से आसपास के थानों के पुलिस के मुखबिर के रूप में कार्यरत हैं, इसलिए इनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इन 5ों के कारण ही पूरी परेड खलवा सड़क अतिक्रमण की गिरफ्त में है। लोगों को यहां से निकलना दूभर है। इन दुकानों के पीछे बनी झोपड़ियों में कई नामी अपराधी भी संरक्षण पाते हैं।